अक्टूबर 26 में तो था 2023 में थोड़ा ओपन फ्रैक्चर हुआ था और वो थोड़ा हड्डी आउट हो गया था ओपन फ्रैक्चर होके। एक्सरे करने के बाद वो ऐसा गांव में जैसे आयुर्वेद लिया था गांव के, वो ऐसा इलाज तो ठीक नहीं हुआ। चलना फिरला ऐसे वो बिना पैर को जमीन पे नहीं रखते, वाकर से उठा के वॉशरूम वगैरह ऐसे ही जाता था, पैर को जमीन पे रख नहीं सकता था, थोड़ा थोड़ा रखने से पेन होता था। आपकी वीडियो ऐसे ही दो महीना तीन महीने तक देखा मैंने आपकी वीडियो, उनको थोड़ा सुकून मिलता था ना वीडियो देखे आपकी वीडियो, तो उन लोगों को भी ठीक हुआ तो मेरा भी ठीक हो सकता है ऐसा मैंने मन पे दबाव रहता था। और मैंने वादर करने का सोचा टाइम रुको और दूसरे का ऐसे लोग बुला रहा गाँव के आदमी, मैंने किसी का बात नहीं सुना, मैं लूंगा तो लूंगा, क्योंकि मैंने ऐसे ही 3 महीना वीडियो देखने का मैंने वादर किया। ऐसे वॉकर से भी चल लेता हूँ और वो बिना वॉकर की थोड़ा हल्का फुल्का चल लेता हूँ ऐसे। नमस्कार भाई। हाँ नमस्कार भाई, कैसे हो? अच्छे हो ऐसे ही भाई। थोड़ा सा अपना नाम और अपने जगह बताओगे जहाँ पे आप रहते हो? मेरा जगह तो वैसे मेघालय है, शिलोंग का स्टेट। मेघालय? हाँ। अच्छा, नाम क्या है भाई आपका? नाम मेरा शंकर है। शंकर, चलो बहुत बढ़िया भाई। आपका जो हड्डी हमारा टूटा था टिबिया फिबुला का, ये कब टूटा था और किस प्रकार से टूटा था? वो टूटा था मेरा अक्टूबर 26 में टूटा था 2023 में। 23 में? अच्छा, पूरा ओपन फ्रैक्चर हुआ था और वो थोड़ा हड्डी आउट हो गया था ओपन फ्रैक्चर होके। आउट हो गया था? चलो हॉस्पिटल में निकल के फिर गया वो थोड़ा हड्डी। अच्छा, और उसके जब आपका ओपन फ्रैक्चर हुआ था उसके बाद आप हॉस्पिटल गए थे, इलाज आपका यानी कि ट्रीटमेंट किस प्रकार से चला था आपका? हड्डी को सीधा करके सीधा भी किया था मगर सीधा नहीं हुआ थोड़ा, और वो थोड़ा सर्जरी करके भेज दिया, रोड वोट नहीं डाला था, ऐसे गांव में लेके आया और गांव में लेके आने के ऐसे आयुर्वेद ऐसी ट्रीटमेंट किया था और ठीक नहीं हो रहा था, हीलिंग हो रहा था ऐसा। अच्छा, तो आपका कितना समय तक वो आपका जो आसपास में आपने ट्रीटमेंट लिया था, इलाज चला था, कितना समय तक? ऐसे ही एक आदमी का चला था 4 महीना और एक आदमी का चला था 1 मंथ चला था। अच्छा, और क्या कुछ उसका रिजल्ट आपको आ रहा था? वो ऐसे डर करता था, हीलिंग करता था, चल नहीं पा रहा था, और पैर को तो उठा पाता था मगर चल नहीं पाता था, डर करता था, पैर भी हीलिंग करता था ऐसा। अच्छा अच्छा, और उसके बाद हाँ, झाड़ आयुर्वेदा के बारे में कैसा पता चला था आपको? आयुर्वेद लिया था गाँव के, वो ऐसा इलाज तो ठीक नहीं हुआ, वो ज्वाइन भी नहीं हुआ, इस तरह से मैंने आपकी वीडियो ऐसा ही दो महीना तीन महीने तक देखा मैंने आपकी वीडियो। अच्छा। देखते रहता वो ऐसे यूट्यूब में देखी, वो किसका तो मेरा से भी कंडीशन खराब है, वो उन लोग का भी 2 महीने 3 महीने से ठीक हो रहा था, इसलिए मन को थोड़ा सुकून मिलता था ना वीडियो देखे आपकी वीडियो, तो उन लोगों को ठीक हुआ तो मेरा भी ठीक हो सकता है ऐसा मैंने मन पे दबाव रहता था। और मैंने वादर करने का सोचा, माँ लोग बोला थोड़ा टाइम रुको और दूसरे का ऐसे लोग बुला रहा गाँव के आदमी, और घर में भी बोला बहुत दूसरा आदमी देखेगा, रो थोड़ा थे। इसमें मैंने किसी का बात नहीं सुना, डायरेक्ट मैं लूंगा तो लूंगा, क्योंकि मैंने ऐसे ही 3 महीना वीडियो देखने का मैंने वादा किया। चलो तो आपका जो मेडिसिन आपने ऑर्डर किया था, ट्रीटमेंट शुरू किया था, वो कब से किया था भाई? वो मैंने करीब 6 महीना गुजर जाने के बाद किया था, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च को किया था, मार्च के लास्ट को। अच्छा, मार्च के लास्ट को, चलो ठीक है, मतलब लगभग 6 महीना। और इलाज शुरू करने से पहले यानी कि ट्रीटमेंट शुरू करने से पहले आप चलना फिरना किस प्रकार से करते थे? चलना फिरला ऐसे वो बिना पैर को जमीन पे नहीं रखते, वाकर से उठा के वॉशरूम वगैरह ऐसे ही जाता था, पैर को जमीन पे रख नहीं सकता था, थोड़ा थोड़ा रखने से पेन होता था, और हीलिंग करने की वजह से मन में दौर होता था, ये चलने से मेरा फिर से टूट जाएगा क्या ऐसा, हीलिंग करने की वजह से इसलिए नहीं चलता था मैं ज्यादा टाइम पे। और उसके बाद जब आपने ट्रीटमेंट लेना शुरू किया तो आपको कब कितना समय के बाद से अंदर में कुछ ना कुछ रिजल्ट यानी कि इम्प्रूवमेंट लगना शुरू हुआ? इम्प्रूवमेंट वो
वो इम्प्रूवमेंट तो मेरे वो जिस टाइम पास लगे था वो इस टाइम में ज्यादा नहीं कर रहा था, वो आपकी मैम सब ने बोला वो थोड़ा थोड़ा करेंगे ऐसा लगता है जो ऐसा पास पास में दिशा नहीं ऐसा करेंगे जैसा लग रहा था करके रहना मेरे फिर में सच। और दो लेने के बाद ऐसे ही सेम टू सेम लग रहा था, तीन लेने के बाद भी ऐसे ही सेम टू सेम ज्यादा नहीं थोड़ा, चार मेडिसिन के बाद पूरा खींचना के खींचा की वजह से दर्द हो रहा था, चार मेडिसिन के बाद। और अभी वर्तमान समय में आपको चलना फिरना आप किस प्रकार से कर रहे हो? चलना फिरना ऐसे वॉकर से भी चल लेता हूँ और वो बिना वॉकर की थोड़ा हल्का फुल्का चल लेता हूँ ऐसे। हल्का फुल्का चल रहे हो, चलो बहुत बढ़िया। और बहन जी मेरे को बता रही थी कि वो आपको मना की है कि बिना सपोर्ट के अभी ज्यादा चलना नहीं है, ऐसा वो बताइए आपको। वो मैंने नहीं चलाता ना, मैंने वो गांव का आदमी एक था मेरा पापा का छोटा भाई काका, पैर तो नहीं हिलता, क्यों चल नहीं पा रहा, पैर तो वैसे भी अच्छे के जैसा ही, पैर तो नहीं ही हिलता भी नहीं ऐसा भी नहीं, सूजन भी नहीं है ऐसा, क्यों नहीं चल पाओगे, इसने जबरदस्ती मेरे को चलने के लिए बोला इसलिए मैंने चला। नहीं, वैसा नहीं करना है आपको, जबरदस्ती नहीं चलना है आपको। क्या करना हाँ है, किस प्रकार से करना है, उसको लेकर के जो बहन जी हैं वो आपको गाइड करेंगी, आप उनके हिसाब से चलो, ठीक है? हाँ ठीक है। अभी अभी वो चलने से थोड़ा थोड़ा पेन करता है ऐसा ही। करेगा भाई, थोड़ा सा करेगा, अभी धीरे धीरे करके देखो, पहले के मुकाबले अभी हमारा कंडीशन बढ़िया है, ठीक है? अब हम धीरे धीरे करके जैसे जैसे चलना फिरना करेंगे, ये हड्डी हमारी मजबूत होगी। उल्टा भाई, ऐसा भी बेच सकता हूँ अब बहुत बढ़िया, अभी बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सुंदर है। ऐसा ही बेच रहा हूँ, बहुत नहीं अच्छा, नहीं ठीक पहले तो है, ऐसा भी बेच सकता था। दिखाओ दिखाओ, चलो एक बार हाँ फोन पकड़ के चलो, एक बार फोन पकड़ के नीचे चलो, आपका घर बहुत सुंदर है जाता भाई। अरे हूँ ऐसा ऐसे दे। कोई दिक्कत नहीं है, फोन उल्टा कर दिया। हाँ हाँ चलो, ऐसा चले तो डर होता है, डर। चलो ठीक है, रुक जाओ, अभी एक चीज और बताना है आपको। ठीक है चलो, लिंपिंग काफी ज्यादा है भाई अभी, है ना? रुक जाओ अभी, तो अभी आप बैठ जाओ कहीं पे, किसी जगह पर बैठ जाओ आप। हाँ अब हमारी बात सुनो, देखो करना क्या है हमको, हम चल पा रहे हैं बहुत खुशी की बात है, लेकिन अभी हमको रिस्क नहीं लेना है। तो अगला कुछ दिन जब तक इधर से ना बोला जाए आपको, है ना, तो आप बिना सपोर्ट के मत चलो, कुछ दिन अभी सपोर्ट के साथ चलो, फिर धीरे धीरे हम आपको विदाउट सपोर्ट भी चलवाएंगे, उसके लिए हम आपको बताएंगे भैया। हाँ ठीक है। अच्छा एक चीज और आपको बोलना था, एक पूछना था, जैसे आपका जो ध्यान था वो बहन जी ने रखा था, आपका जो गाइड करने का था वो बहन जी ने किया था, तो किस प्रकार से आपका गाइडेंस चलाता जा रहा है बता, मैं उसके बारे में थोड़ा सा चीज बताऊँ कुछ। तो ऐसा ही अच्छा था, मैं कॉल नहीं करने से भी वो मैम से अपने आप कॉल कर लेता, कैसा है वो, कैसा चल रहा है, ऐसा 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 ही कॉल किया था। दिन में मेडिसिन लगाने के टाइम में भी कॉल किया था 2 बार, ऐसा ही कॉल कर, जिस टाइम में मेडिसिन लगेगा इस टाइम में 2 बार कॉल किया अच्छा, ऐसा। बहुत बढ़िया। और कुछ ऐसा चीज भाई जिसको हम लोग और बेहतर बना सकते हैं आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से तो ऐसे गांव जिस जिस आदमी को ऐसे दूसरा रहता है उन लोग को यूज करना चाहिए। चलो ठीक है भाई, कोई दिक्कत। हाँ बताओ। मेरे घर के आदमी में बोला था वो ऐसा होता है, वो जो नहीं होगा वो लोग ऐसा ही होता है ऑनलाइन का, क्यों ऐसा विश्वास करना, ऐसा बोला, मैंने अपने विश्वास से लिया ऐसे ठीक चलो चलो, होगा। आपने विश्वास दिखाया, उसका रिजल्ट आपको मिला भाई, ठीक है? अब थोड़ा मुश्किल होता है सबके लिए देखो, है ना? चलो कोई नहीं, हमको अपना काम करना है, आपको अपना काम करना है, ठीक है ना? चलो ठीक है, अभी वो ध्यान रखो। हाँ बताओ। मैं गांव का पहला आदमी हुआ ऐसा, ऑनलाइन से ठीक होने वाला, चलो बहुत नहीं, लोगों से ठीक बहुत अच्छा, पहला हो आप, आखिरी नहीं नहीं वो मैं गांव के आदमी लोग का बोलेगा मैं ऐसे ठीक होने के नहीं, सही बात है, आप उनके लिए एक अलग प्रेरणा का स्रोत बन सकते हो भाई, है ना? आपको देख करके वो मोटिवेट होंगे, लिए। बस इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि भाई एक छोटा सा वीडियो हम लोग बना लेते हैं, यही इसी कारण के वजह से, क्योंकि जो लोग को नहीं पता है, जिन लोगों को लगता है कि ये ऑनलाइन के द्वारा ट्रीटमेंट नहीं हो सकता है, हम मेडिसिन आएगा नहीं आएगा, उनके लिए ये एक बहुत अच्छा सबक है कि हर चीज खराब नहीं होती है। हाँ यही चीज है भाई, वो लोग आपको देख करके अभी सीखेंगे समझेंगे, ठीक है? तो
तो चलो भाई, बहुत अच्छा लगा आपने अपना समय दिया। अब हम उम्मीद करेंगे कि आप जिस कंडीशन में अभी हो पहले से तो बेहतर हो, और जैसे जैसे समय बीतते जाएगा आप और बेहतर स्थिति में आते जाओगे। ठीक है, ऐसा उठा सकता है मगर सर इसे पहनते हैं नहीं, ऐसे। बिल्कुल नहीं, इसीलिए हमने बोला कि रिस्क बिल्कुल नहीं लेना है। हम आपको हर चीज को लेकर के गाइड करेंगे, जैसा जैसा बताएंगे सिर्फ वही करना है आपको। ठीक है, अगला कुछ दिन। हाँ ठीक है। चलो ठीक हाँ है, हाँ आराम से जाओ, अभी रेस्ट करो भाई। हाँ ध्यान रखो अपना। हाँ ठीक है, चलो भाई, हाँ नमस्कार। नमस्कार। जो भी इस प्रकार के समस्याओं से जूझ रहे हैं, उनको समझ नहीं आ रहा है कहाँ जाना है क्या करना है, तो इस वीडियो को उन तक जरूर से जरूर पहुंचा दें, क्योंकि आपका एक छोटा सा प्रयास लोगों के जीवन में बड़ा बदलाव ला सकता है। और जो भी इस तरीके से परेशान है वो सारे लोग झार आयुर्वेदा में आकर के मिल सकते हैं, जो जमशेदपुर झारखंड में स्थित है। या फिर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे इनके बारे में, जरूर कमेंट करके हमें बताएं। और अगर आपको भी किसी अन्य प्रकार की कोई वीडियो चाहिए तो आप जरूर से जरूर कमेंट बॉक्स में डाल दें, हमारी टीम प्रयास करेगी उस पर्टिकुलर विषय पर एक छोटी सी वीडियो बनाने। तो बस इसी के साथ हम आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो में किसी अच्छी और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए ध्यान रखें अपना और अपनों का। नमस्कार।